हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। फर्स्ट 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी हमारा चैनल है प्रोफेसर DRVs के नाम से, इसे सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश का जो भी NCERT का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0π/4। कर्व है जो 0π/4 से पास कर रही है आपकी, ओके, हुज डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है साइन एक्स कोस वाई डीएक्स प्लस में कोस एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू सी जीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे हमें इस कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये जो वैल्यू इसने दी है कि कर्व हमारी इस पॉइंट से पास करती है, इसका सबसे लास्ट में यूज होगा सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। चलिए तो कैसे करें, डी वाई वाली टर्म्स इस साइड रखते हैं, dx की टर्म्स को साइड ले जाए, माइनस साइन एक्स कोस वाई डी एक्स। अब साइन वाई डी वाई इधर रखा और y की टर्म एक और है कोस वाई, उसे इस साइड लेकर गए। ऐसे इसमें साइन एक्स डी एक्स इधर पहले से ही है, कोस एक्स को इस साइड लेके गए, दोनों का क्या कर दिया आपने इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका tan y dy इज इक्वल टू माइनस tan x dx। क्लियर, tan y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ secant y, इसका माइनस log ऑफ secant x प्लस में कॉन्स्टेंट c, इसे इस ले जाए, कॉन्स्टेंट सी को भी हम लॉग की फॉर्म में ही ले लें, तो ये सेट जाएगा, क्या बन जाएगा आपका लॉग ऑफ सेकेंड वाई प्लस लॉग ऑफ सेकेंड एक्स इज इक्वल टू लॉग सी सेकेंड वाई इंटू सेकेंड एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी, ये कैंसल आउट, क्या बचा सेकेंड वाई इंटू सेकेंड एक्स इज इक्वल टू सी। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन आई है कर्व की। लेकिन अभी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, कर्व पासिस थ्रू g1 है आपकी स्टेटमेंट में, जीरो पाई बाय फोर से करो, जीरो पाई बाय फोर से पास कर रही है, तो y की जगह तो आप पाई बाय फोर पुट कर दें सेकेंड पाई बाय फोर, और x की जगह जीरो, सेकेंड पाई बाय फोर होता है रूट टू, सेकेंड जीरो होता है वन, तो c की वैल्यू कितनी आई रूट टू। इस वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट में सेकेंड y सेकेंड x, x की जगह क्या आ जाएगा रूट, और ये आपकी इक्वेशन आई है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस ई टू एक्स डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। उसने कहा कि वैन एक्स जीरो है तो वाई की वैल्यू है 1। चलिए कैसे निकालें, ई टू एक्स डी वाई की टर्म को इधर रखें, एक्स की टर्म को उस साइड ले जाएं, माइनस 1 प्लस, क्लियर है।
अब y के टर्म को इस साइड लेके आएंगे तो dy अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर, इसे उस साइड ले जाइए ex 1 प्लस में e2x, y के टर्म्स एक साइड, x के टर्म्स एक साइड, दोनों का इंटीग्रेशन करें तो इसका तो हो जाएगा, अभी करते हैं पहले इसमें पुट कर लें, पुट ex इज इक्वल टू इसके इक्वल t के इक्वल, तो ex का डेरिवेटिव ex dx कितना हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए पुट करें, तो ये तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस ऊपर वाला तो dt, नीचे e की पावर 2x, यहां ex, तो इसे ये क्या बन जाएगा आपका t स्क्वायर, ex का स्क्वायर बन गया ना e की पावर 2x, तो ex आपने t रखा है तो क्या बन जाएगा आपका t स्क्वायर। tan इनवर्स y माइनस ये क्या बन गया माइनस tan इनवर्स t प्लस में c, t की वैल्यू वापस पुट कर दें, क्या वैल्यू है ex प्लस में c, tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स ex इज इक्वल टू c। अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसने कहा कि x 0 है और y 1, तो y 1 रखें tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स e की पावर 0 1 हो जाएगा इज इक्वल टू c, tan इनवर्स 1 कब होता है पाई बाय 4 पे, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा पाई बाय 2। तो जो ये c की वैल्यू आई है पुट इन 1, तो क्या बनेगा ये tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ex इज इक्वल टू पाई बाय 2। देखते हैं यही है या कुछ और आंसर है। 9th क्वेश्चन मिसलेनियस, यही आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 9th का। क्वेश्चन नंबर 10th, y e की पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू x e की पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर dy। y e x अपॉन y dy को इससे ले आए dx अपॉन dy, क्लियर। अब इस टर्म को भी उठा के इसे ले जाए वाई ई एक्स वाई डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स ई एक्स अपॉन वाई, क्या बचा इधर वाई स्क्वायर। ये थोड़ा अलग दूसरी तरीके का क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें इस क्वेश्चन इक्वेशन को। डिवाइड करने से पहले कॉमन क्या चीज है e की पावर x अपॉन y, तो अंदर क्या बचा y dx अपॉन dy माइनस x। अच्छा y स्क्वायर से डिवाइड किया तो y इधर तो y स्क्वायर आएगा और इधर क्या आएगा 1। अब हमें क्या करना है पुट करें इसे e की पावर एक्स वाई वाई को t के इक्वल, देखिए क्या बनता है पुट कर लिया, देखते हैं ये वाली टर्म बनती है या नहीं बनती। डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू वाई,
तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा, e की पावर x अपॉन y हो गया। अब हमें करना है x अपॉन y का डिफरेंशिएशन, तो कैसे होगा, u अपॉन v से y का y स्क्वायर, y एज इट इज, x का डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी वाई, ये ध्यान रखना क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू x नहीं कर रहे, तभी x का डेरिवेटिव यहां 1 लग रहे हैं माइनस। अब x एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 होगा यहां पे, इज इक्वल टू डी टी बाई डी। ध्यान से देखें ये सारी टर्म क्या बनी है, ये तो यही टर्म है आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसे पुट इन 1 कर दें, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा सारा, डी टी अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू 1। ये जो सारी टर्म है इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया है, डी टी अपॉन में डी वाई, डी वाई को उस साइड लेके जाएं, डी टी इज इक्वल टू डी वाई, इंटीग्रेशन कर दें, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी डी वाई का वाई प्लस में सी। अब t की वैल्यू पुट कर दें वापस, t की वैल्यू कितनी है, e x अपॉन y इज इक्वल टू y प्लस में c। तो ये इसका आंसर है, अलग तरीके का क्वेश्चन था तो ध्यान से करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11th, फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, नहीं डी एक्स के साथ अलग ले लें, और डी वाई के साथ अलग ले इज इक्वल टू डी एक्स माइनस क्या है डी वाई। अब क्या करते हैं डी वाई वाली टर्म्स को तो एक साइड रख लेते हैं, ये इधर आगे प्लस में डी वाई, और डी एक्स वाली टर्म्स को उस साइड ले जाएं तो एक्स माइनस वाई क्या आएगा डी एक्स, डी वाई कॉमन आया तो क्या बचा एक्स माइनस वाई प्लस में वन, यहां पे भी डी एक्स कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई, या माइनस डी एक्स कॉमन ले लें तो ये उल्टा हो जाएगा एक्स माइनस वाई तो प्लस हो जाएगा और माइनस में 1। क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये टर्म उस साइड जाएगी माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें सेपरेबल भी नहीं है, होमोजीनियस नहीं बन रहा, तो इसे हम क्या करते हैं पुट कर लेते हैं x माइनस वाई को किसके इक्वल, t के इक्वल, तो डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स, और 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा डी वी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वैल्यूज आप पुट कर दें इस इक्वेशन में, डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो आ गया 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई की जगह टी माइनस में 1, यहां भी क्या आएगा टी प्लस में 1।
वन को साइड लेके जाए माइनस डी टी बाई डी एक्स माइनस टी माइनस वन टी प्लस वन माइनस में वन एलसीएम ले लें। पहले तो माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं इसमें से टी माइनस वन माइनस कॉमन लेने क्यों लिया मैंने, इधर भी माइनस है ना तो ये माइनस से माइनस कैंसल आउट। dt by dx is equal to LCM ले तो LCM कितना आएगा इसका t plus 1 t minus 1 plus t plus में 1 1 से 1 cancel out क्या आया आपका 2t upon में t plus में t वाले terms को इस साइड ले जाएं t plus 1 by t 2 dx को उस साइड ले जाएं इंटीग्रेट कर दें दोनों का dt भी साथ में t से t को डिवाइड करें तो क्या आएगा 1 और 1 को डिवाइड करेंगे t से 1 बाय t इज इक्वल टू 2x प्लस में c 1 का इंटीग्रेशन t 1 बाय t का लॉग ऑफ t 2x प्लस में c t की वैल्यू कितनी है t की वैल्यू है x माइनस वाई वापिस वैल्यू पुट कर दें आप किस फॉर्म में आंसर है इसका log x माइनस वाई एक साइड बाकी टर्म्स एक साइड तो x माइनस वाई को उस साइड लेके जाएं लोग वाले टर्म्स को एक साइड रखा आपने 2x माइनस एक्स प्लस में y प्लस में c 2x माइनस एक्स x प्लस y प्लस में c तो ये इसका आंसर है। नहीं आंसर इसमें जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है उसने आगे दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू माइनस वन वैन x इज इक्वल टू जीरो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है y की वैल्यू माइनस वन है वैन x इज इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा यहां जीरो माइनस माइनस वन प्लस वन हो जाएगा और लॉग वन तो जीरो होता है x कितना होगा जीरो y की वैल्यू माइनस वन प्लस c c की वैल्यू माइनस वन उधर जाके वन इस वैल्यू को वापिस इसमें पुट कर दें log of x minus y is equal to x plus y plus में 1 इसमें जनरल सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना था पर्टिकुलर निकालना था ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 e माइनस टू रूट एक्स बाय रूट एक्स डी वाई बाय डी एक्स को साइड ले जाएं तो क्या जाएगा डी वाई बाय डी एक्स अब y वाले टर्म को dy by dx के पास लेके जाएं ये टर्म इसी साइड रहेगी यहां से देखें ये कौन सी इक्वेशन बनी है ये बनी है आपकी dy by dx प्लस py प्लस में q नहीं सॉरी इक्वल टू q p तो है 1 बाय रूट एक्स और q है तो इसके लिए क्या निकालना है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p dx p कितना है 1 बाय रूट एक्स
इंटीग्रेशन करें इसका, x की पावर कितनी है यहाँ पे, माइनस वन बाय टू है, तो इसमें वन ऐड कर दें, उसी से डिवाइड कर दें, तो e की पावर वन माइनस हाफ x की पावर वन बाय टू डिवाइड में वन बाय टू, तो क्या होगा, टू ऊपर आ जाएगा, टू रूट में x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। सॉल्यूशन निकालना है, किसके इक्वल होता है, y मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q है आपका e की पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx प्लस कॉन्स्टेंट c। ये e की पावर माइनस टू रूट एक्स है, ये e की पावर टू रूट एक्स, तो दोनों ऐड होंगे, क्या हो जाएगा, e की पावर जीरो और e की पावर जीरो मतलब वन, तो ये तो कैंसिल आउट, बचा क्या, रूट एक्स, रूट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस वन बाय टू प्लस वन, माइनस वन बाय टू प्लस वन, वन माइनस वन बाय टू वन बाय टू बचेगा, मतलब एक्स की पावर टू, नीचे भी वन बाय टू है तो ये टू बन जाएगा आपका, प्लस में सी, देखिए ना वन में से हाफ गया, हाफ बचेगा ना वन बाय टू, तो वन बाय टू को लिखेंगे तो जो टू नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा, टू रूट एक्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, dy बाय डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स कोसिकेंट एक्स, ये भी वही है हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये तो है आपका p और ये है आपका q, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर में p dx, कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ साइन एक्स, ये लोग कैंसिल आउट, तो क्या बचा साइन एक्स। अब निकालना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता है वाई इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में क्यू, क्यू है फोर एक्स कोसेकेंट एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स डी एक्स प्लस में सी। साइन और कोसेकेंट एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचा 4x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस में c, तो होगा y साइन x, क्या बचा यहां 2 से 4 कैंसिल आउट हो गए, 2 बचा x स्क्वायर प्लस में c, तो ये है क्वेश्चन। अच्छा इसमें आगे कंडीशन भी है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसने कहा कि y 0 है व्हेन x पाई बाय 2, y को 0 रखें और x को पाई बाय टू, एक्स को पाई बाय टू रखेंगे तो पाई स्क्वायर बाय फोर, ये तो जीरो है, पाई स्क्वायर बाय टू इधर आके माइनस पाई स्क्वायर बाय टू, तो सी की वैल्यू कितनी आई, माइनस पाई स्क्वायर बाय टू, पुट इन वन, वाई साइन एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय, ये आपका सॉल्यूशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 14। फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ई की पावर माइनस वाई माइनस में वन, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो क्या करें, y वाली टर्म तो इस साइड आ जाएगी,
ठीक है ना, डी वाई के नीचे, और एक्स वाली टर्म को दूसरी साइड ले जाएं, इंटीग्रेट करें। अब इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहां नीचे तो e माइनस वाई है, तो हम इसे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे e माइनस वाई से, ऊपर भी डिवाइड कर दिया और नीचे भी, ये आ गया log x प्लस वन प्लस में c, तो इससे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन e की पावर माइनस वन क्या बनेगा, e की पावर y dy अपॉन में टू माइनस, ये भी क्या बन जाएगा, e की पावर y, अब पुट कर लें 2 माइनस e की पावर y को किसके इक्वल, t के इक्वल, तो माइनस ey dy की क्या होगा dt, और ey dy माइनस dt, तो ऊपर तो हो जाएगा आपका माइनस में dt, और नीचे ये सारा क्या है t, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी, सी को भी हम लॉग की ही फॉर्म में ले रहे हैं क्योंकि सारे इक्वेशन आपका लॉग में है, माइनस को ऊपर लेके जाए लॉग ऑफ टी की पावर माइनस में वन, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इंटू में सी, लॉग से लॉग कैंसल आउट, टी की पावर माइनस वन क्या लिखेंगे आप, वन बाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू में सी। अब टी की वैल्यू पुट करें, टी की वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू माइनस ई की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू में सी। अब आगे उसने कहा है कि वैन एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई भी जीरो, e की पावर जीरो इज इक्वल टू एक्स तो जीरो है ये, तो e की पावर जीरो कितना होता है वन, वन बाय टू माइनस वन ये भी वन हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आई है वन, इसमें पुट कर दें क्लियर, मल्टीप्लाई करें वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू ई वाई, टू से करेंगे तो टू एक्स प्लस टू माइनस ई वाई एक्स प्लस में वन, ठीक है, इस टर्म को इस तरह ले जाएं ई वाई एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस टू, वन उस साइड जाएगा माइनस में वन, ये आंसर मैच करने के लिए हो रहा है सारा कुछ, वैसे तो क्वेश्चन पहले भी सोल्व हो चुका था आपका, लेकिन जो आंसर बुक में दिया हुआ है वो देख रहे हैं हम, तो ई की पावर वाई एक्स प्लस वन टू एक्स, टू में से वन गया वन, e की पावर y, अब x प्लस वन को इस साइड ले जाएं डिवाइड में जाएगा, e को भी उधर लेके जाएं तो y इज इक्वल टू e उस साइड जाकर क्या बन जाएगा log, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। मैं दोबारा बता रहा हूं ध्यान से देखें, यहां पे पहले आपने y और x की वैल्यू जीरो रखी, अब e की पावर जीरो वन होता है और टू में से वन गया वन, तो ये तो आपका वन बाय वन वन बचा, तो c की वैल्यू आई है वन, यहां रखी आपने, यहां रखने का मतलब है x प्लस वन ही रहेगा आपका राइट हैंड साइड में, तो अब हमने क्या किया इसको इस साइड लेके गए, मतलब मल्टीप्लाई की, टू से मल्टीप्लाई दोनों की, ई वाई के साथ दोनों की मल्टीप्लाई, ये माइनस वाली टर्म थी तो इसे आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए इस वाली टर्म को, और वन को राइट हैंड साइड में, तो टू माइनस वन क्या हो गया वन,
अब x प्लस वन को भी एक साइड लेके गए हम, इसमें कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में, अब e को लेके गए हम, तो e क्या बन गया आपका log बन गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। वो कहता है कि जो पॉपुलेशन है किसी समय में किसी विलेज की, मान लीजिए लेट वाई इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एट एनी स्टेट, किसी टाइम टी पे मान लीजिए वाई उसकी पॉपुलेशन है गांव की विलेज की। वो कहते हैं द पॉपुलेशन इंक्रीज, इंक्रीज हो रही है मतलब डी वाई बाई डी टी जो चेंज हो रहा है एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। किसी समय जब आप देखते हैं किस रेशो में किस स्पीड से वो आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वो कहते हैं उस समय जितने प्रेजेंट हैं पॉपुलेशन है उसी के प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मान लीजिए आपने इसे हटाया, इक्वल में चेंज कर दीजिए, तो लेट के इज द कोफिशियंट। अब डी वाई क्या हो जाएगा, नहीं टी थी वाई लेना था हमें, टी तो टाइम है इंस्टेंट है, पॉपुलेशन लेनी थी ना हमें, डी वाई बाई वाई इंटू में के इंटू डी टी, दोनों का क्या कर दें इंटीग्रेशन, डी वाई अपॉन वाई क्या आया लॉग वाई के टी प्लस में डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस में कॉन्स्टेंट सी। अब हमें दो कॉन्स्टेंट है यहां, एक के है और एक सी है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेस्ड ऑन कंडीशन। उसने कहा कि जब 1999 में मतलब उस समय उस पॉपुलेशन बताई उसने 20,000, मान लीजिए उसे बेस ईयर ले लीजिए आप 1999 को, तो बेस ईयर में टाइम जीरो कि हम वहां से मापना शुरू कर रहे हैं, पॉपुलेशन थी उसकी 20,000। ओके पुट करें इसमें तो लोग 20,000 टी जीरो रखा तो जीरो प्लस में सी, तो ये आपकी वैल्यू आई है सी की, जो टी जीरो रखते ही है तो जीरो हो जाएगा, ये सी की वैल्यू आई। अब वो कहते हैं 2004 में तो 1999 से आपने गिनना शुरू किया 2004 तक पहुंचे तो कितने इयर्स हो गए टाइम पीरियड 5 इयर्स का, पॉपुलेशन पहुंच गई आपकी कितनी 25,000, तो 14,1 लॉग ऑफ 25,000 इंटू 5K प्लस में सी, सी की वैल्यू कितनी है लॉग 20,000 ओके लॉग 20,000 को इस साइड ले आए इज इक्वल टू 5K, 5 इधर आएगा 1/5 log ऑफ 25,000 डिवाइड में क्या हो जाएगा 20,000 इज इक्वल टू के। के की वैल्यू आई 1/5 log ऑफ 4/5। अब आपके पास के भी आ चुका है सी भी आ चुका है। अब उसने कहा व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2009 में कितनी पॉपुलेशन होगी, काउंटिंग कहां से करी थी 1999 से, टाइम पीरियड की हमने काउंटिंग, तो 1999 से 2009 तक कितना टाइम पीरियड हो जाएगा 10 इयर्स, वाई निकालना है कि पॉपुलेशन कितनी होगी, पुट इन वन लॉग ऑफ वाई, के की वैल्यू कितनी है 1/5 log of 4/5
इनटू में टाइम केटी है ना, यहाँ पे के की वैल्यू रखी आपने, ये तो टी की वैल्यू कितनी रखी 10 प्लस में सी की वैल्यू कितनी है 20,000 लोग 20,000 क्लियर। तो ये 2 आगे आएगा लॉग ऑफ 4/5 प्लस लॉग ऑफ 20,000। इस 2 को कहां लेके जा सकते हैं, इसका स्क्वायर, तो लॉग ऑफ क्या बन जाएगा a प्लस बी किसके इक्वल होगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 इंटू में 20,000 लॉग a प्लस बी लॉग a b लोग से लोग कैंसिल y इज इक्वल टू 4/5 ही था ना, नहीं 4/5 नहीं था, ये 5/4 था, यहां मिस्टेक हुई है 5/4 कितना होगा ये 25/16 इंटू 20,000 y इज इक्वल टू 2009 में पॉपुलेशन कितनी होगी, इतनी होगी 31,250 ओके। ये था 15। अब 3 क्वेश्चन इसके बचते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन से देखें। उसने कहा 16 में द जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई इधर जाके 0 हो जाएगा, क्या बचेगा वाई डी एक्स, वाई को तो आप उस साइड ले गए ना, राइट हैंड साइड में खत्म हो गया, एक्स डी वाई को उस साइड ले जाए, वाई कहां जाएगा डी वाई के नीचे और एक्स कहां जाएगा डी एक्स के नीचे, दोनों का सॉल्यूशन लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस में मान लीजिए कॉन्स्टेंट है आपका सी, तो क्या हो जाएगा ये लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी एक्स, भाई 1/y का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन लॉग वाई, 1/x का लॉग एक्स, कॉन्स्टेंट भी आपने सी के फॉर्म में ले लिया, लॉग ए प्लस बी लॉग ए बी, लॉग से लॉग कैंसिल आउट, y/x इज इक्वल टू सी, तो इसका सॉल्यूशन यही है y इज इक्वल टू सी एक्स, तो c इज द राइट आंसर, c ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेवनटीन्थ में उसने जनरल सॉल्यूशन पूछा इसका, dx अपॉन dy प्लस p1 एक्स इज इक्वल टू क्यू वन, क्या होता है इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन, पहले तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, क्या बनता है e की पावर p1 dx, तो सॉल्यूशन क्या होता है आपका x इंटू में e p1 dx q1 मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx प्लस में कॉन्स्टेंट c, देखिए कौन सा है इसमें x, पहले दोनों तो a और b में y इंटू दिया हुआ है, तो वे दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए, थर्ड वन है तो थर्ड वन इज द राइट आंसर, यही दिया हुआ है, नहीं इसमें इंटीग्रेशन आएगा y, यहां ध्यान रखें क्योंकि dx अपॉन dy इक्वेशन है, मैंने वही लिख दिया जो हम रूटीन में करते आते हैं dy by dx, यहां इसने चेंज करके दिया हुआ dx अपॉन dy है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा p1 dy, तो c इज द राइट आंसर। आगे है 18th क्वेश्चन,
जनरल सॉल्यूशन निकालना है एक्स डी वाई प्लस वाई ई टू एक्स ई एक्स प्लस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो क्या करें, ई एक्स डी वाई प्लस में वाई ई एक्स डी एक्स इसे तो इकट्ठा लिख लेते हैं, प्लस में टू एक्स डी एक्स को अलग लिख लेते हैं। ओके, ये ध्यान से देखें, ये क्या चीज है आपका, डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इंटू में वाई। ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया, इस सारे का डेरिवेटिव। करें इसे, करके देखें, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई प्लस में, अब वाई एज इट इज ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स इंटू में डी एक्स। तो यही चीज है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म प्लस में टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट कर दें तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसल आउट हो जाता है, ई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस में कॉन्स्टेंट इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, ई एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। तो कौन सा है इसका, सी इज द राइट आंसर, तीनों में ही सी ऑप्शन थी। तो स्टूडेंट्स, ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।